यार इन रोडों पे ना पकाने का बड़ा मजा आता है। गाड़ी मार गया बंदा एक हमारे बीच में, पकड़ने लगे हैं उसे। ऊपर ऊपर से ला के ना, ऊपर से ला के मारी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर प्रैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बात तो अभी भी आपका भाई सोया उठा है, ठीक है? तो बाल तो रात के ही बने हुए हैं, तो ये पहले व्यू शू देख लो, ठीक है? तो आज आपके भाई के जेन में ना बड़ा ही खतरनाक प्रैंक आया है कि अभी भी मामा ने मुझे उठाया कि लाहौर के लिए वापस निकलना है। अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, तो आपका भाई प्रैंक करने लगा है, ब्रेक फेल प्रैंक। तो पता नहीं क्या होगा और उनके क्या रिएक्शन होंगे, मुझे खुद को नहीं पता। अभी मैं खुद सोया उठा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। तो सबसे पहले जो है ना, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। कपड़े जो हैं वो मैंने चेंज तो कर लिए हैं, पर इनके सामने यही शो करना है कि जिस तरह मैं जो है ना व्लॉग ही शूट कर रहा हूँ, और व्लॉग के दौरान ही जो है ना मैं ये कारनामा जिस भी टाइम जो भी सिचुएशन देख के जैसा भी लगेगा ना, तो आपका भाई प्रैंक कर देगा और मुझे पता नहीं क्या रिएक्शन निकलेंगे। यहाँ मैं खुल के भी नहीं बोल पा रहा जिस तरह मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो अभी नाश्ता वगैरह आ रहा है इनके सामने, वो भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि नाश्ता वगैरह आ रहा है, तो ये खा रहे हैं वगैरह, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो फिर इनके सामने तो यही करना है कि ब्लॉग शूट हो रहा है, यू नो। फिर देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता। टेंशन नहीं लेने का आप उन्हें ना। A few inches later, सारे रवाना है लाहौर को जाने के लिए। सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं है। निकलो ना मेरे। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, ठीक ठाक है। ये खड़ी है भाई साहब गाड़ी साहब। तो ये है हमारे मामू, ठीक है? मामू सुती उठी है, बाल खिलरे ने। वो वाला साहब है मामू रेस्टोरेंट। इन्हें क्या हो गया? अच्छा मैंने डके बोलना शुरू कर दिया। ये मेरे मामू मिल रहे जाते हुए, और वो हमारा ड्राइवर गाड़ी नहीं खा रहा है। मामू मामू ड्राइवर को समझा रहे हैं, बड़ा बदतमीज बोलो दा पठा। रियान मामू कह रहे हमारे ड्राइवर उल्लू का पठा। चलो ठीक है, तो है ना टाइम पे। ले जाओ ले जाओ, ड्राइवर जल्दी करो। चलो भाई साहब सफर की दुआ जो है ना जल्दी से पढ़ लो सारे, फिर निकले। जादू। आप इतनी लेट क्यों करती हैं सफर की दुआ पढ़ते? अपनी फैमिली पे भी फम मारो यार, फूंक मारती है बस, सुन पे नहीं मारी, बिल्ले पे क्यों पढ़ते हैं? फारसी दुआ भी नहीं पढ़नी होती, खाली सफर की पढ़नी होती है आपने। अच्छा आप साहब वो भी होती है? हाँ जी। चलो वो मुझे नहीं पता फारसी वाली। आप तो कहते हैं बस जितने फर्ज हैं फटाफट पूरे हो जाएं, और ना पढ़ना पड़े, एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। चलो यार निकले। इन रोडो पे ना पकाने का बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है इन रोडो पे। कसम इन रोडो पे मजा वाकई आता है, लेकिन आपको पता है मर्जी से लोग निकलते हैं इधर। नहीं इधर कहाँ से निकलना है, पहलियों से निकलना। हाँ जी तो निकल आते हैं ना, यही तो बात है। जानवर होते हैं ना, जानवर होते हैं तो जो तुम पीछे बैठी बताओ। यार देखो मजा आता है ना, सिंगल रोड प्यारा नजारा है, इसी नजारे में तो पकाने का मजा। ग्रीनरी कितनी है, हमें तो शहर में ग्रीनरी मिलती नहीं है इतनी। ये तो है, ये तो वाकई बात है आपकी। तो ये बात आपकी, ये आपकी बात फेंकने वाली नहीं है, पर ये जो पीछे एक लड़की बैठी है इसको फेंकने वाली है।
वाओ लोल में मस्जिद नहीं है, मैं तो भूल गया था। वाओ दैट्स अमेजिंग। ओए मस्जिद उधर बात है, कितना उन्होंने बड़ा बनाया, कितने जीप बच्चे हो तुम लोग भाई। ओके लोर में नहीं आ जा सके, दाता दरबार भूल गए। बड़ा कर दिया उन्होंने, ये कहा देखो। अच्छा ओके समझ गए, हम समझ गए। आपको शुगर मेरा कोई लगता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी तो शुगर ही है। A few moments later, ये लोग जो है खाने पीने के लिए कोई चीज लेके गए। मैंने कहा मोटरवे पे चढ़ जाए ना, तो उधर जाके जो है ना ये सीन करेंगे। और कैमरा नहीं समझ आ रहा यार, ये प्री प्लान्ड करके हो ना तो फिर समझ में आता है बंदे ने कैमरे पहले से सेट क्यों। अब समझ नहीं आ रही कैमरा कहाँ रखूं, अब इनके रिएक्शन कहाँ से लूं, समझ नहीं आ रही क्या करूंगा। अब ना मुझे हाथ में पकड़ के बनानी पड़ेगी कोई, इधर ना इस तरह करके ना कुछ भी करके इस तरह बस रिकॉर्ड हो जाए, बस इन्हें पता ना लगे। तो अब मोटरवे पर चढ़ते हैं और फिर इनके ऊपर करते हैं कि ब्रेक फेल हो गई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करी, बस खैरियत से मैं पहुंचा, ये बस मजाक है, बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है लो भाई साहब, गाड़ी मार गया बंदा एक हमारे बीच में, खड़ी गाड़ी को गाड़ी मार गया। आए पकड़ो उसे, पकड़ने लगे हैं उसे, पकड़ने लगे मोटर वे पे। वो भी गाड़ी टर्न ले रही है पत्ते, गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी स्पीड से मार गया। जे आगे खड़ी करो, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी, देखो ये देखो कीड़ा कर करती है गाड़ी का। इसमें ऊपर ऊपर से ला के ना, ऊपर से ला के मारी गाड़ी। थोड़ी सी लगी होगी, चलो खैर मैं जाने देती हूँ, लेकिन अब देखो। अच्छा ऊपर से ला के गाड़ी मारी है, गलती की हमने, क्यों इस तरह की आपके साथ। अंकल जी आके उतर के देखें जरा गाड़ी को, नहीं नहीं आप आए तो सही, तब आपको कहेंगे कि ये सही कह रहे गलत नहीं कह रहे हैं। आपकी गलती क्या हुआ है? अच्छा जो गलती ना ना मारे उसका लो करना चाहिए, इस तरह नहीं जाना। बात तो सही है, हाँ हमारी है। आप भी गलती मान के तो साथ ही ये बंदा मुकर गया, आप भी गलती मान के। अभी इसने कहा कि गलती है हमारी, गलती है तो आप लोगों ने क्या करना है? जैसे ही कैमरा खोलता के ऐसा बंदा गलती मान के और कहता कि मेरी गलती नहीं। अंकल जी सब्र करते हैं लेकिन ऐसे बंदे से सब्र नहीं किया जाता जो मानते भी नहीं। मान तो क्या, कैसे माने? अब माने ना, जब वीडियो होनी है इसने कहा नहीं माना, आपने कहा कि माना है। अच्छा मान गया था तो साथ ही, जब ये सीन हुआ तो साथ ही कहता कि गलती आप लोगों की। 2000 years later, हम सब जो हैं घर आ चुके हैं और आप लोग देखा होगा क्या सीन चला है हमारे साथ, प्रैंक जो है वो तो मौके पे ही राम तो वड़ गया। ठीक है तो सीन ये चला के एक्सीडेंट इस तरह हुआ था कि आपका भाई ने, ये नहीं कि प्रैंक करने की कोशिश नहीं की, ये क्लिप्स चल रहे हैं ये देखो कि ये आपके भाई ने 2-3 दफा कैमरा सेट करने की भी जो है कोशिश की है, पर जो प्रैंक है वो हो ही नहीं पाया। मैंने कहा था टूल प्लाजा जैसे ही क्रॉस करूंगा उसके बाद इनके ऊपर मैं प्रैंक शूट कर दूंगा, तो टूल प्लाजे पे रुके हैं। तो हमारा जो एम टैग था ना उसमें बैलेंस कम था, हमने रिवर्स करके साइड पे खड़ी किया, एक फैन ने वाज ये बिग फैन रेहान भाई, तो अभी मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ तो अभी मेरी गाड़ी इस तरह खड़ी है ना, काफ़ी टूल प्लाजे की वो लाइंस खाली थी। उसने क्या किया, उसने देखा कि थोड़ी सी जगह है निकलने के लिए मेरी गाड़ी की, उसने क्या किया उधर से अपने कॉन्फिडेंस में ना गाड़ी घुसा दी, पर वो वहाँ से निकल ही नहीं पाई। वो बड़ी वो जो क्या कहते हैं छोटी ये मिनी बस जो होती है ये थी ये वो, फिर जैसी स्पीड में गुजरा तो सारा बम्पर कड़ीसता लेके गया और नंबर प्लेट भी तोड़ दी, और वो आपने देखा ये क्या हाल किया उसने बम्पर का। तो ये सीन हो गया तो सबके जो सीन है ना मूड ऑफ हो गए थे, तो पूरे रास्ते मूड ऑफ आए हैं, फिर कोई शूट भी नहीं किया और मैंने ना ही घर वालों को फिर बताया कि मैं प्रैंक कोई शूट करने लगा था आपके ऊपर। तो ये सीन चल गए थे, मैं खुद डर गया था तो कि आप तो करना बनते ही नहीं है। तो बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला का कि बड़े हादसे से जो हैं वो हम बच गए और आप लोग की दुआएँ हैं। ये था आज का दिन व्लॉग करने की, प्रैंक बनाने की, आपके भाई ने बहुत कोशिश की है पर वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया, तो क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका भाई करने लगा है वीडियो को एंड। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच इतनी दुआ करने के लिए। ये सब आप लोगों की वजह से, पता नहीं किसकी दुआ लगी है। तो इसी तरह प्यार करते रहें और इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।